सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दो अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी बाइक और रुपयों की लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। अपराधियों के पास से दो देसी कट्टा, 9 कारतूस, चोरी किए गए 2 मोबाइल और 1 बाइक बरामद की गई है। रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नवादा और मुरारपट्टी चौक से दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अपराधी विनय सिंह पर लूट और छिनैती जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी सदर SDPO फिरोज आलम ने प्रेस वार्ता कर दी है। 16 सितंबर को रात्रि 8:15 में SHO रघुनाथपुर को सूचना मिली कि अपराध कर्मी विनय कुमार सिंह मुरारपट्टी चौक पर संदिग्ध अवस्था में पैशन प्रो मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। SHO रघुनाथपुर के द्वारा अपराध कर्मी विनय कुमार सिंह पिता जितेंद्र सिंह साकिन वैली थाना आंदर को उसी वक्त एक लोडेड कट्टा और 3 .315 बोर की गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। उसने 13 सितंबर को असाव थाना के ग्राम कटवार नहर पर से एक पैशन प्रो बाइक को लूटा था और उसी बाइक के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। विनय कुमार सिंह के कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पर मांझिल सिंह उर्फ राम प्रताप सिंह पेशर स्वर्गीय राम बहादुर सिंह साकी नवादा थाना रघुनाथपुर के पास से एक देसी कट्टा और 5 .315 बोर की गोली को पकड़ा गया तथा 13 सितंबर को असाव थाना के कटवार नहर से जो पैशन प्रो बाइक लूटी गई थी और 2 एंड्रॉयड मोबाइल उनके पास से बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मी विनय कुमार सिंह कई कांडों में वांछित है। उसने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में बताया कि दिनांक 1 सितंबर को अपने अन्य साथियों के साथ सहुली चिमनी के पास मुर्गी फार्म वाला को रोककर 50,000 की लूट किया था। उसी दिन रात्रि में मैरवा रोड से एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल का लूट किया था। 3 सितंबर को अपने साथियों के साथ हुसैनगंज थाना अंतर्गत ग्राम बगौनी में अपराधी लालू यादव के नवनिर्मित मकान के छत पर बैठकर ये लोग अपराध की योजना बना रहे थे। उसी वक्त मेरे नेतृत्व में रेड पड़ी जहां से पिस्टल मैरवा से लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ इसके अन्य साथी पकड़े गए थे तथा यह वहां से छत से कूदकर फरार हो गया था। 14 सितंबर को संध्या में अपने 2 साथियों के साथ हुसैनगंज थाना अंतर्गत ग्राम छपिया नहर के पास से एक स्प्लेंडर बाइक को इन लोगों ने छीना था। दिनांक 13 सितंबर को अपने 2 साथी के साथ असाव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटवार नहर से रात्रि 9:15 पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोककर उनका मोटरसाइकिल, 2 एंड्रॉयड मोबाइल और सोने की चेन को पिस्टल का भय दिखाकर छीन लिए थे, जिसमें मोटरसाइकिल और दोनों मोबाइल रघुनाथपुर थाना के द्वारा बरामद किया गया है। यह आगे बताएं कि लूट का सामान अपने मामा मांझिल सिंह को देते थे जो बेच कर इन्हें रुपया देते हैं। उप अपराधियों की गिरफ्तारी से सिवान जिला के निम्नलिखित कांडों का उद्भेदन हुआ है। आंदर अपराधी जो विनय कुमार सिंह है, इसका अपराधी की इतिहास है। आंदर थाना कांड संख्या 3/23 6 जनवरी 23 को हुआ था। आंदर थाना कांड संख्या 8/23 जो कि 10 जनवरी 23 को हुआ था। आंदर थाना कांड संख्या 15/23 जो कि 17 जनवरी 23 को हुआ है। और हुसैनगंज थाना कांड संख्या 221/23 जो कि 3 सितंबर को हुआ है। इस छापेमारी टीम में SHO रघुनाथपुर मोहम्मद तनवीर आलम, SHO असाम विपिन कुमार, SHO आंध्र कुमार वैभव, SHO हुसैनगंज विजय कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह, हवलदार नवल किशोर ठाकुर, सिपाही चंदन कपूर, सिपाही धर्मेंद्र कुमार, इन सारे लोगों की भूमिका रही है। सर क्या जो गिरोह हैं इनका बाहर से किसी लोगों का भी सपोर्ट रहा है, क्या बाहर का जो गिरोह है वो भी इन लोगों के साथ ले रहा था? ये बाइक लूट करने वाला गिरोह है और एक सप्ताह पहले हम आप ही लोगों के साथ पीसी किए थे। उनके गैंग के हम लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़ा था और ये उसी गिरोह के हैं और इनके बाकी साथी अभी फरार चल रहे हैं, उन्हें भी जल्द हम पकड़ लेंगे। इनके पास कितनी गोली है, कितना पिस्टल, क्या है? 2 कट्टा और 9 .315 बोर की गोली मिली है और लूट का 2 एंड्रॉयड मोबाइल और एक पैशन प्रो बाइक मिली। सर
इनके गिरफ्तारी से बाइक लूट पे बहुत लगाम लगेगा और आगे भी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।